हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोटिको सर्वसंपू चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड 2 है, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं। मकर संक्रांति एक मात्र ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, अलग अलग कोने में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग नाम से, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट इंडिया हो। आइए हम ये जान लेते हैं कि मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म में माह को दो पक्षों में बांटा गया है, ये तो हम सब जानते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी दो आयनों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं, उत्तरायन और दक्षिणायन। तो यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे एक वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, और मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा दिन है जिससे सूर्य की उत्तरायन गति प्रारंभ हो जाती है, और इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायन भी कहते हैं। तो ये उत्तरायन क्या है, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो सूर्य देवता है वो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, कैप्रिकॉर्न जिन्हें हम बोलते हैं मकर राशि। और इन्हें सिंपल शब्दों में बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य देव बृहस्पति देव के घर से निकलकर अपने पुत्र शनि देव के घर में आ जाते हैं। इसी दिन हमें मकर संक्रांति मनाना होता है, इसी दिन को मकर संक्रांति बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि ये 14 जनवरी को भी पड़ता है और 15 जनवरी को भी पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पर्व हम तभी मना सकते हैं जब मकर राशि में सूर्य देवता का पूर्णतः प्रवेश हो गया हो। तो पूर्णतः प्रवेश यदि रात को होता है, 14 जनवरी को शाम को होता है सूर्यास्त के बाद 8 बजे 9 बजे, तो हम मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाते हैं। और यदि इनका प्रवेश 14 जनवरी को ही मकर राशि में पूर्णतः हो गया है सूर्यास्त से पहले, तो हम 14 जनवरी को मनाते हैं। ये सीधे शब्दों में है, बाकी आप डीप में जाएंगे, हर चीज़ का योग देखेंगे या शुभ मुहूर्त देखेंगे, तो वो सब बात की बात है। ये सिंपल बात है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मकर संक्रांति किस दिन मनाना होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे देवताओं का एक दिन एक वर्ष का होता है, उत्तरायन और दक्षिणायन मिलाकर के हमारे देवताओं का एक दिन होता है। तो मकर संक्रांति जिसे हम उत्तरायन भी बोलते हैं, वो हमारे जो सभी देवी देवताएं हैं उनका प्रभात काल माना जाता है, इसलिए इसे शुभ दिन भी माना जाता है, जितने भी शुभ कार्य हैं वो सारा करने के लिए। और इस दिन खरमास भी खत्म हो जाता है, और मकर संक्रांति प्रारंभ के दिन से ही हम सारे शुभ कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े जो भी हमें आयोजन कराने हो, या घर खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, ऐसी चीज़ें भी मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि ये देवताओं का प्रभातकालीन है। तो आशा करती हूँ कि इससे थोड़ी जानकारी मिली होगी कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।